press the bell icon on the YouTube app and never. एक तो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में हमारे इस्लाम के हिसाब से हमें उत्तराधिकारी या सक्सेशन का पार्टिसिपेट मुसलमान बेटियों को किया नहीं जाता है। अब गाहे बगाहे अगर कोई ऐसे पिता या ऐसे अब्बा या ऐसे शोहर निकल जाते हैं जो अपनी बीवी को पूरे हक के हिसाब से और दुनिया और संवैधानिक एतबार से वो अगर उसको हिस्सा दे भी देते हैं तो उसपे जब बोर्ड अपना धावा बोल देता है तो उस मुसलमान बेटी को कैसा लगता होगा। और मैंने ऐसे केसेस भी भारत के मशहूर पत्रकार रोहित शर्मा जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजी लाई खान जी, जो की डॉक्टर जाकिर नायक और ओवैसी की पोल खोलेंगी, जिन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि वो आगे आए और वक्फ बोर्ड को बचाएं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और उसको सुनने और समझने वाली बात है, आपके व्यूअर्स को भी सुनना भी चाहिए और समझना भी चाहिए और मुसलमानों को भी समझना चाहिए। क्या वक्फ बोर्ड ने सिर्फ मंदिरों को हड़पा है? क्या वक्फ बोर्ड ने 53-54 साल में कांग्रेस की सरकार को डरा डरा करके अपनी संपत्ति को बढ़ाया है? सिर्फ इतना ही किया है क्या? बड़े बड़े गांवों को सिर्फ कब्जा किया है? वक्फ बोर्ड जो मुसलमानों के वेलफेयर के लिए बनाया था ब्रिटिश ने, ब्रिटिश और वो उस वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों की जमीनों को भी हड़पा है। और लाखों हजारों ऐसे केसेस है जो मैंने भी खुद किरण रिजू जी को, जो हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, उनको मैंने एक फाइल बना करके दिल्ली में उनके दफ्तर में जा करके मैं दे करके आई हूँ, जिसमें सिर्फ वो केसेस हैं जो मुसलमानों ने किया है वक्फ बोर्ड के खिलाफ। मैं खुद सबमिट अपने हाथ से करके आई हूँ माइनॉरिटी और होम अफेयर के दफ्तर में दिल्ली में, और उन केसेस को मैंने उस फाइल में क्लिप किया है जो मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, ये सारे स्टेट के, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरला हो, सबके लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट के पेपर्स को उठा उठा करके, उसकी सर्टिफाइड कॉपी पिन कर कर करके, पंच कर कर करके मैंने माइनॉरिटी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के दफ्तर में जा करके मैं जमा करके आई हूँ कि क्या वक्फ बोर्ड सिर्फ मंदिरों को हड़प करता है, वो भी बियॉन्ड द इस्लाम, क्योंकि हिंदुओं के, काफिरों का तो एक घूंट पानी भी हमें हराम है, तो मंदिर कैसे हलाल हो जाएंगी वक्फ बोर्ड में आने के बाद? तो जब ये वक्फ बोर्ड हिंदुओं की चीजों को हड़प रहा है तो वो मुसलमानों को तो नहीं छोड़ रहा है। अभी सिर्फ 8 दिन पहले की बात है कि जयपुर में 72 लोगों की एक फैमिली थी, मुस्लिम फैमिली थी, जिसको वक्फ बोर्ड ने निकाल करके बाहर कर दिया, रोड पर कर दिया, और वो मुसलमान महिलाएं हिजाब पहन करके अपने बच्चों के साथ रो रो करके वक्फ बोर्ड को कोस रही थी, हाथ फैला फैला करके और अल्लाह को हाजिर और नाजिर करके वो कह रही थी कि वक्फ बोर्ड बर्बाद हो जाए, कहर नाजिल हो जाए, अल्लाह का कहर टूट जाए वक्फ बोर्ड पर। मैं पूछना चाहती हूँ, एक तो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में हमारे इस्लाम के हिसाब से हमें उत्तराधिकारी या सक्सेशन का पार्टिसिपेट मुसलमान बेटियों को किया नहीं जाता है। अब गाहे बगाहे अगर कोई ऐसे पिता या ऐसे अब्बा या ऐसे शोहर निकल जाते हैं जो अपनी बीवी को पूरे हक के हिसाब से और दुनिया और संवैधानिक एतबार से वो अगर उसको हिस्सा दे भी देते हैं तो उसपे जब वक्फ बोर्ड अपना धावा बोल देता है तो उस मुसलमान बेटी को कैसा लगता होगा? और मैंने ऐसे केसेस भी, ऐसा आयशा अनीस का केस, यास्मीन का केस, अजहर का केस, मैंने ऐसे केसेस भी उठा उठा करके मैंने माइनॉरिटी मंत्रालय को मैंने दिया है, खुद जाकर के जमा किया। अब सबसे महत्वपूर्ण शाहीन बाग होता है, आप मासूम पसमानदा मुसलमानों को आप रोड पर उतार करके बैठा देते हैं, ये जितने भी धर्म के ठेकेदार, आप CAA का प्रोटेस्ट करवाते हो, आप पसमानदा मुसलमानों को रोड पर बैठा देते, आप NRC का प्रोटेस्ट करवाते हो, आप पसमानदा मुसलमानों को रोड पर बैठा देते, आप UCC का प्रोटेस्ट करवाते हो, आप पसमानदा मुसलमानों को रोड पे बैठा देते हो, आप हिजाब के फेवर में प्रोटेस्ट करवाते हो, आप पसमानदा मुसलमानों को रोड पे बैठा देते हो, XYZ किसी भी चीज का आप प्रोटेस्ट करवाते हो, आप पसमानदा मुसलमानों को रोड पे बैठा देते हो, कभी भी उस धरने प्रदर्शन में
मैं अवेसी की बीवियों को और अवेसी की हिजाब वाली बेटियों को नहीं देख पाती हूँ। क्यों? क्योंकि वो शहजादियां हैं, वो नहीं बैठेंगी। वो क्यों नहीं बैठेंगी? तौखीर का बेटा और बेटियां क्यों नहीं बैठेंगे? साजिद रशीदी के बेटे और बेटियां और बीवियां क्यों नहीं बैठेंगी? क्यों? वो लोग मलका आलम है, वो लोग शहजादियां हैं, वो रोड के खाक नहीं छानेंगी। हमेशा से पिछले 78 साल से मुसलमान पसमानदा और गरीब मुसलमानों को इस्लाम का डर दिखा दिखा करके ये सारे क्लेरिक और मौलानाओं ने उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी अगर वाकई में रोहित भाई सोशल वेलफेयर के लिए बनाई गई थी, तो आज सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से हमारे मुसलमान बच्चे, हमारे मुसलमान युवा दलित से पीछे कैसे रह गए? एडुकेशन में कैसे रह गए? आज हम वक्फ बोर्ड के सारे रिसर्च को जब टटोलते हैं और हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट से हम रिसर्च इकट्ठा करके बुलाते हैं, तो दो स्कूलें होती हैं लेकिन मस्जिद जो होते हैं वो 22 होते हैं, इमामबाड़े जो होते हैं वो 108 होते हैं, उसके बाद फिर मदरसे जो होते हैं वो 200 होते हैं, लेकिन स्कूल अकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए स्कूल 2 ही होता है। और कई ऐसे स्टेट हैं और कई और उस स्टेट के कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर मैं पूरी की पूरी फाइल लेकर के आपके पास बैठी हूँ, तो इतनी लंबी चौड़ी बात तो चंद घंटों में पहुंची है पूरा फाइल रिसर्च का। इसमें साफ है कि किस किस तरीके से स्कूल को बॉयकॉट करके वहां पर मजार, वहां पर मदरसा, वहां पर इमामबाड़ा, ये सब चीजें बनाई गई है, वहां पर कम्युनिटी हॉल, वहां पर शादी ब्याह करने का एक आयोजन का जगह बनाया गया है। मतलब बोर्ड की प्रॉपर्टी पर हर वो चीजें बनाई गई हैं जिससे मौलवी मुल्ला मुफ्ती खारी जो है वो पैसे कमा सके। एक मिनट नाज़िया जी, एक चीज कि चलो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, वो ज़ाकिर नायक मलेशिया में बैठ के वो प्रोटेस्ट कर रहे, वो इंडिया आके प्रोटेस्ट करे ना, क्या मुस्कान कभी इंडिया आ सकती है जिसने हिजाब के लिए नारे तकबीर का नारा बुलंद किया था और जिसके लिए लश्कर ए तैबा के अलकायदा के चीफ का मैसेज आया था? क्या मुस्कान कभी भारत आ सकती है? नहीं आ सकती है, क्योंकि उसका भेद खुल चुका कि वो अलकायदा की एजेंट थी। जाकिर नायक जितने दिन तक भारत के लोगों को बेवकूफ बना सकता था वो बनाया, और अब वो भारत में कदम रखेगा तो यासीन मलिक का रिश्तेदार हो जाएगा जेल की सलाखों के पीछे, ये उसको भी पता है, ये उसको भी पता है, ये बहुत अच्छे से जानता है जाकिर नायक, इसलिए दूर से बैठे बैठे अपनी लंतरानी को मार रहा है। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से ये बात बता रही हूँ रोहित भाई, जाकिर नायक के समर्थक, जाकिर नायक के एजेंट है भारत, है भारत। और उसकी मैं बहुत खास वजह मैं आपको बताती हूँ, नुपुर शर्मा को हमने आबाद होते हुए भी देखा और नुपुर शर्मा को हमने बर्बाद होते हुए भी देखा। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रवक्ता के लिए, प्रवक्ता के तौर पर एक फायर ब्रांड महिला नेत्री जो सामने कोई भी आता था वो खामोश हो जाता था क्योंकि उसका जवाब कोई दे नहीं पाता था। नुपुर शर्मा इंटेलिजेंट, वोकल, अप्रोप्रिएट अपनी बातों को रखना, प्रेजेंट करना, ये सारी चीजें मौलवी मुल्लाओं को चुभ रही थी कि हम उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। एक स्ट्रैटेजी खेली गई और रहमानी आज भी टीवी चैनलों पर नजर आता है, लेकिन नुपुर शर्मा इस देश में 150 करोड़ की हिंदुओं की आबादी वाले, 150 करोड़ से ऊपर हिंदुओं की आबादी वाले देश में आज भी नुपुर शर्मा डर के डर से अपने घर में रहती है, क्योंकि कन्हैया के भी आरोपी को अब बेल मिल चुका है। जिसने सरपंच से जुदा का नारा लगाया था उसको भी जयपुर के कोर्ट से बेल मिल चुका है। मैं पूछना चाहती हूँ कि 150 करोड़ से ऊपर के हिंदुओं की आबादी ने नुपुर शर्मा के लिए क्या किया? क्या भारतीय जनता पार्टी की आंखों में आंखें डाल करके 150 करोड़ के हिंदू की आबादी उससे पूछ नहीं सकती थी कि आखिर नुपुर शर्मा की ये बर्बादी में हम किसका हाथ ज्यादा समझे? हम 22 करोड़ मुसलमानों का हाथ ज्यादा समझे या 150 करोड़ हिंदुओं की आबादी को हम कटघरे में खड़ा करें? आपने खा लिया खाना, आपने कमा लिया, दैट्स इट। मतलब हम बेवकूफ है जो हम इस देश में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हम इस देश में लोगों को वक्फ बोर्ड के सारी पंक्तियां खोल खोल करके बता रहे हैं,
हम मौलवी मुल्लाओं के सारे अश्लील हरकतों को बता रहे हैं, अखंड भारत का सपना देख रहे हैं और दिखा रहे हैं, इस भूमि से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत जागरूक करवाते हैं। और आज देखिए कि पश्चिम बंगाल से लेकर के तेलंगाना से लेकर के केरला से लेकर के और दिल्ली के नोएडा से लेकर के हर जगह मेरे खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, मेरी जुबान को बंद कराने की कोशिश की जा रही है। तो क्या सिर्फ इसमें मौलवी मुल्ला है? नहीं नहीं, इसमें हिंदू भी है, इसमें कोई शक नहीं। और नहीं, आप जो लड़ाई लड़ रही हैं बहुत बड़ी लड़ाई है और अकेली लड़ रही है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बड़ी चीज है, अकेले लड़ना मुश्किल होता है और जान को हथेली पे रख के लड़ रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। मतलब बहुत ही हिम्मत वाली बात है, बहुत करेजियस है, मैं आपकी इस चीज का हमेशा से एक तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और इस पूरे टॉपिक के बारे में और खासकर ओबीसी से लेकर डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।